नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो 14 मार्च को जो एग्ज़ाम हुए थे CBT 1 RRB NTPC के, तो उसी का अपन जो स्टैटिक GK के पार्ट हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं उसी को लेके हाजिर है, क्योंकि ईजी वाले आपको आते ही हैं। तो जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं डिफ़िकल्ट वाले और स्टैटिक GK की भविष्य में भी आप इसको देख सकते हैं, तो उसी को लेके हाजिर है। डिटेल में भी हम एक एक प्रश्न को चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का किसका विचार था? यानी कि देखिए, अगर भारत के जो संविधान में प्रस्तावना है वो किसकी देन है, यानी कि ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे अगर आपको पूछा जाए कि खुदाई खिदमत गार आंदोलन किसने चलाई थी, तो ये आपको तो पता होगा कि खुदाई खिदमत गार जो आंदोलन है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाई थी, क्योंकि खुदाई और खा एक जैसा राइमिंग दे रहा है, ख से यहाँ पे भी है और खान खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन अगर यही चीज़ें लाल कुर्ती आंदोलन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पूछा लाल कुर्ती आंदोलन ही गया था, और लाल कुर्ती आंदोलन को ही खुदाई खिदमत गार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो ये ओबीएसआई खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन है। अगर लाल कुर्ती एक सैन्य संगठन था, उसको किसने संगठित किया था? गैरिबाल्डी ने। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गैरिबाल्डी को कहाँ का तलवार कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गैरिबाल्डी को कहाँ का तलवार कहा जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पूछा क्या गया था, RBI का मुख्यालय कोलकाता में थी शुरुआत में, जब 1935 में इसकी गठन हुई थी। लेकिन पूछा जाता है कि कब मुंबई कर दिया गया, यानी कि अभी मुंबई में RBI का मुख्यालय है। तो पूछा गया था कि ये जो मुंबई में है वो पहले कलकत्ता से में था, तो कलकत्ता से मुंबई में कब कर दिया गया? तो देखिए, आपको पता है कि जो राजधानी है वो भी कलकत्ता में हुआ करती थी, तो वहाँ से दिल्ली कर दिया गया 11 में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मुख्यालय है आपके RBI का, तो वो कर दिया गया 2 साल बाद, यानी कि 37 में। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं NTPC में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? देखिएगा, ये पूछा गया था, जो एटॉमिक मिनरल एंड डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो देखिए, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बहुत सारे उपक्रम है। न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि नाभिकीय पे जो अन्वेषण होती है, उसके बहुत सारे आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है, या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, उसके अलग अलग जगह सेंटर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट वाला, तो देखिए एक्सप्लोर की बात कर रहा है, एक्सप्लोर मतलब कि फैलने की बात कर रहा है। और आपको भी पता है कि हैदराबाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हैदराबाद इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहता था। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, तो ये पाकिस्तान सोच रहा था कि यहाँ से हम फैलेंगे, ठीक है, और ये पूरे इंडिया को मिला लेंगे बाद में, और इधर पाकिस्तान मेरा है ही है, इधर बांग्लादेश है ही है। तो यानी कि ये एक्सप्लोर करने के लिए ये हैदराबाद पाकिस्तान की ओर जाना चाह रहा था। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो एक्सप्लोर वाला बात है, यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च का जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडी, तो देखिए, अर्थ अगर हम अर्थ का पिक्चर बनाते हैं तो कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, कितने सेंटर की आवश्यकता होती है? 3 सेंटर, क्योंकि 2 पॉइंट से हम एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर एक अर्थ यानी कि सर्किल की हमें आवश्यकता होगी तो हमको 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्योमेट्री में कि कितने पॉइंट से कितना पॉइंट मिनिमम होना चाहिए एक सर्किल बनाने के लिए, यानी कि 3 पॉइंट, तो यानी कि त्रिवेंद्रम। यहाँ पे देखिएगा, 3 त्रि मतलब 3 होता है, तो इसका जो मुख्यालय होगा सेंटर फॉर अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडी, वो त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरिएबल इनर्जी साइक्लोन सेंटर का मुख्यालय, देखिएगा, वेरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन का जो, आप इस तरह से इसको याद रखिएगा कि जो चक्रवात आता है,
साइक्लोट्रोन है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन जैसा हम याद करेंगे कि ये साइक्लोन है। साइक्लोट्रोन जो होता है वो आपके फिजिक्स में पढ़ना होता है, लेकिन इसको हम साइक्लोन जैसा पढ़ के, और साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा ज़्यादा आती है, ठीक है। तो बंगाल कहाँ पे है, यानी कि बंगाल से रिलेट करता कोलकाता, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय होगा, ठीक है। इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये सभी जो इंस्टीट्यूट है वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ही आप कह सकते हैं पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं तो उसमें तरह तरह के नाम हैं, तो उसी में से पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा गया था ये, लेकिन ये भी आपसे पूछा जाता है, ये पूछा गया है, लेकिन कई बार ये पूछा जाएगा, कई बार ये पूछा जाएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दुर्गापुर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं मैकेनिकल के, तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, रेयर मतलब होता है कि जो बहुत कम हो, ठीक है। रेयर मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत कम हो, तो अर्थ पे बहुत कम लोग, यानी कि भारत के अर्थ की हम बात करें, भारत के ज़मीन की बात करें, तो मुंबई में बहुत कम ज़मीन है, क्योंकि आप देखेंगे मुंबई समुद्र के किनारे है और मुंबई में आबादी भी इतना है, तो यानी कि वहाँ पे जो अर्थ है वो रेयर बचा है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि मुंबई में जाएंगे तो चावल में लोग रहते हैं, वहाँ पे अर्थ ही नहीं है, यानी कि ज़मीन ही नहीं बची है, तो इस तरह से याद रखेंगे। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जादूगोड़ा। अब देखिए यूरेनियम छोटा सा चीज़ होता है और उससे कितने दिनों तक बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये जादू ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोयला एकदम से भर भर के लाते हैं और तुरंत खपत हो जाती है, लेकिन यूरेनियम का आप कह सकते हैं एक पेटी लाएंगे तो कितने सालों तक चलेगा, तो यानी कि ये जादू है, तो यानी कि जादूगोड़ा में इसका मुख्यालय जो कि है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक जैसा संबंध जैसे ही आता है तो हम बेंगलोर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो मुख्यालय है वो हैदराबाद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अब न्यूक्लियर फ्यूल, अब फ्यूल की बात आ रही है, यानी कि ईंधन की बात आ रही है, और जैसे ही हैदराबाद पे अटैक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो मिसाइल वगैरह से अटैक करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि हैदराबाद को मिलाने के लिए जो बम वगैरह लेके गए थे हमारे सैनिक, वो फ्यूल वगैरह भरा के ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इसका भी मुख्यालय हैदराबाद में है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अब यहाँ पे लिखिएगा शाह, और रिद्धिमान शाह काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, तो शाह जो रिद्धिमान शाह है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, कोलकाता, मतलब कि कोलकाता यानी कि बंगाल के हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक यूनिट है जो कि कहाँ पे है, राजा रमन्ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे है राजा रमन्ना। रमन्ना मतलब रवाना जैसा कुछ सेंस दे रहा है, और दौड़, ठीक है, इंदौर, यानी कि रवाना होता है कब, जब दौड़ के चलता है कोई तब, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये इंदौर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, भवानी के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भवानी इसके शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, इसके मुख्यालय कहाँ पे है। आइसोटोप मतलब कि एक ही एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाएंगे, तो यानी कि एक ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर है, तो एक ही एटॉमिक नंबर है, यानी कि एक ही जैसा लगेगा, एक ही जैसा होगा, तो यानी कि जुड़वा होगा, ठीक है, जुड़वा होगा, यानी कि आप कह सकते हैं जिसका स्रोत एक ही है तो वो जुड़वा कहलाएगा। तो अब जो जुड़वा होगा वो आप देखेंगे मुंबई में जो भी फिल्म बनती है उसमें जुड़वा कैरेक्टर भी बहुत सारे होते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे कि आइसोटोप जैसे ही ध्यान में रहेगा वो आपको मुंबई याद आ जाएगा। या रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन से भी आप याद रख सकते हैं कि रेडिएशन में क्या होता है कि चमक वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है, रेडिएशन में दूर तक इससे लाइट निकलती है, या आप कह सकते हैं वेवलेंथ निकलती है, तो मुंबई के जो फिल्म सिटी है वहाँ पे जो कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उससे एकदम से जो वेवलेंथ है वो रेडिएट होते रहती है, तो इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत का जो
अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? गांगुली ने किया था। कौन? केसरी मोहन गांगुली। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीआरओ की स्थापना कब हुई थी। देखिए बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 60 में हुई थी। अब देखिए बॉर्डर मतलब कि एक प्रकार का बाउंड्री होता है, ठीक है, और बाउंड्री से इधर जाएंगे तो क्षरण हो जाएगा ऊपर ऊपर, नहीं तो अगर यहाँ पे कैच टपके लपके जाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यानी कि 6 भी मिल सकता है, नहीं तो 0 भी मिल सकता है अगर बॉर्डर की कहीं बात आती है तो, ठीक है, यानी कि बाउंड्री लाइन की बात आती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, लास्ट में 6-0 है, 6 मिलेगा या 0 मिलेगा अगर कैच आउट हो गए तो, ठीक है। तो 60 हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आए थे आपको याद हो जाएंगे। ये मैंने स्टैटिक का ही पार्ट कवर किया है क्योंकि जो आपके ये करंट हैं वो तो भविष्य में चेंज भी हो सकते हैं, जो 1-2 महीने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए मैं बनाया हूँ कि ताकि आपका स्टैटिक तो हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट होगा ही। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।